Welcome to the project Fix with Food by Dr. Kashif. आज की जो हमारी डिस्कशन है वो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर है. कॉन्स्टिपेशन जो है ये तकरीबन हर घर में कोई एक बंदा ऐसा लाजमी मौजूद है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है. कॉन्स्टिपेशन की अगर सिम्टम्स की बात करें तो और इसकी वजाहत करें तो इसमें होता ये है कि एक जो हम फूड लेते हैं जो खाते हैं वो फूड हमारी स्टमक से निकलता है, इंटेस्टाइन्स के अंदर जाता है. इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो होती है तो उसमें फूड के अंदर मौजूद जितना भी लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म होती है, वो इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्जॉर्ब होती है. जब एक्सेसिवली वो इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जज़ब हो जाएगी, तो जो बाकी बच जाने वाली खुराक होती है जिसने आगे चलना होता है वो इंतहाई ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है. और उसके खुश्क होने की वजह से इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो जाती है. और यही वजह होती है कि हफ्ते में एक बार या दो बार उस बंदे को जो कि कॉन्स्टिपेशन होती है, उस बंदे को एक या दो बार हाजत होती है, अर्ज होती है कि वो स्टूल पास करे. अच्छा, इसके अंदर आमतौर पे ये होता है कि बाउल मूवमेंट जो है वो बहुत पेनफुल होती है और स्टूल पास करना बहुत ही मुश्किल होता है. और आमतौर पे ऐसा भी होता है कि फीलिंग ये होती है कि कुछ जो है वो अभी रिमेनिंग बाकी रह गया है, अभी प्रॉपर तरीके से एवैक्यूएट नहीं हुआ. अगर किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन लगातार रहती है तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ही सीवियर किस्म के होते हैं, बहुत ही एडवर्स किस्म के होते हैं. उनमें जो सबसे कॉमनली देखे जाते हैं उसमें ये होता है कि एनल फिशर्स हैं, यानी मकद का जो सुराख होता है उसमें कटाव आ जाते हैं, कट्स लग जाते हैं. इसके अलावा मकद का बाहर आ जाना, प्रोलैप्स कर जाता है. इसके अलावा हिमोराइड्स होती है जिसे पाइल्स कहते हैं, ये खूनी भी हो सकती है, ये विदाउट ब्लड जो है वो भी होती है. इसके अलावा मकद की जो शरियाने होती हैं उनमें सूजन हो जाती है, सूज जाती हैं. और उस बाउल के अंदर जहाँ पे तमाम स्टूल जमा होता है वो फिर चूँकि पास आउट नहीं होता तो वहाँ पे वो जमा होकर सख्त हो जाता है, जम जाता है. इसके अलावा जो बाउल के मसल्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चर यानी कि उसमें सख्ती आ जाती है, विच कैन लीड टू कोलन कैंसर. इस कॉन्स्टिपेशन को ज़्यादातर ऑब्ज़र्व किया गया है ख़वातीन के अंदर, बड़ी उम्र के अफराद के अंदर, और ऐसे अफराद जो कि डिप्रेशन का या स्ट्रेस का शिकार रहते हैं उनमें ये ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया गया है. इसके अलावा कुछ ऐसे लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जो भी जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है उनमें वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे अफराद जिनके खाने पीने की रूटीन प्रॉपर नहीं है, मतलब वो एक मुकर्रर वक्त पे खाना नहीं खाते हैं. कभी नाश्ता सुबह 6 बजे करी, कभी नाश्ता जो है वो सुबह 10 बजे किया, ठीक, रात का खाना कभी खा लिया कभी नहीं खाया. और इसके अलावा ऐसे अफराद जो अपनी नींद मुनासिब अंदाज में पूरी नहीं करते, व्हाट आई मीन टू से कि रात को देर तक जागते रहते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो ऐसे अफराद के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन होती है. इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि आराम पसंद हों या जिनका काम बैठने का है, ऑफिस के जॉब वाले जो अफराद हैं या जिनका ऑफिशियल वर्क है उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन जो है वो ज़्यादा देखने में आती है. इसके अलावा ऐसे अफराद जो पानी कम पीते हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. और ऐसे अफराद जिनको अर्ज तो हुआ
कि अब स्टूल पास करना है, लेकिन वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से कहीं जल्दी है उन्हें जाने की, तो वो अपने उस पासिंग आउट ऑफ स्टूल या कॉल ऑफ नेचर को जो है वो अटेंड नहीं करते हैं, उसे पोस्टपोन कर देते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन ऐसे अफराद के अंदर भी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, उनमें नारकोटिक पेन किलर्स हैं, कॉमन NSAIDs हैं, कॉमनली यूज्ड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको वो आयरन पिल्स आमतौर पर दिए जाते हैं, या दूसरे ऐसे अफराद जो कि आयरन पिल्स लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन यानी कि एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन यूज़ करते हैं अफराद, उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन देखी जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन ले रहे होते हैं ऐसे अफराद के अंदर कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा साइकाइट्रिक जो मेडिसिन ले रहे होते हैं, ठीक। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि ट्रैवलिंग के अंदर हैं, उन्हें उस ट्रैवलिंग के दौरान नाजिया होता है या वॉमिटिंग होती है, तो उसके लिए जब वो कंटिन्यूसली मेडिकेशन ले रहे होते हैं तो ऐसे अफराद के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन देखने में आई है। अच्छा, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन के साथ रिलेट करती हैं, उनमें एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स फर से के भाई जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है यानी कि जिनका थायराइड फंक्शन जो है वो लो है, जिनको डायबिटीज़ है, यूरेमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है। इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि अंतड़ियों का कैंसर है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसके साथ भी, और डाइवर्टिकुलर डिजीज़ के पेशेंट जो हैं उनके अंदर भी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जस्ट लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या पार्किंसंस डिजीज़ है, या ऐसे अफराद जिनको स्ट्रोक का इशू है वो भी कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके अलावा दैट आर नॉट मच कॉमन, लेकिन लूपस और स्क्लेरोडर्मा जो है ये ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो भी इसका शिकार होती हैं। वेल, ये तो था इसका छोटा सा ब्रीफ, उसकी क्या कहते हैं कि डिटेल, कि किन अफराद को हो सकता है, किन को नहीं होता है, कौन इसका शिकार होते हैं। लेकिन मेडिकेशन के साथ साथ अगर हम अपनी डाइट के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस कर लें जिन तो उसकी साथ कॉन्स्टिपेशन को जो है ना वो ट्रीट किया जा सकता है या उसको रिवर्स किया जाता है, और फिर डाइजेस्टिव फंक्शन जो है उसको प्रॉपर किया जा सकता है। और आज की जो वीडियो है, आज की ये जो आगे स्लाइड्स हैं, इनके अंदर आई विल टेल यू कि कौन सी ऐसी खुराक के अंदर हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, पीनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती हैं। तो एक चीज़ याद रखें कि हमेशा कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन वाले अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर वाली जो है ना वो चीज़ें जिनके अंदर फ़ाइबर मौजूद होता है वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब फाइबर किन के अंदर होता है, उनमें ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स के अंदर सबसे पहले है कि चक्की के आटे से बनी हुई रोटी वो खाएँ। इसके अलावा बग़ैर छना हुआ मोटा आटा जो होता है उसकी बनी हुई रोटी खाएं, जई का दलिया खाएं, इस चौकर उसके बने हुए सीरियल्स खाएं, खाम चावल जो होता है, एक प्रोसेस्ड चावल होता है, एक खाम चावल होता है, यानी कि जिसे हम ब्राउन राइस कहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप प्रोसेस्ड जिसको पॉलिश किया होता है सफ़ेद रंग का जो निकला होता है जो हम आमतौर पर राइस मिल से लेके आते हैं, तो उसके खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है। लेकिन अगर ब्राउन राइस खाएंगे जो कि प्रोसेस नहीं हुआ हुआ तो उसके खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, वो ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा जौ है, जौ का दलिया है वो भी खाया जा सकता है। दालें और उनकी अगर बात करें तो मसूर की दाल जो है वो, काला लोबिया,
किडनी बीन्स जिसको हम लाल लोबिया कहते हैं, सोया बीन्स हैं, चिकन पीस हैं, चने और मटर हैं, फलियां हैं और मकई जो सिट्टे की शक्ल में मिलती है, वो खाना कॉन्स्टिपेशन के अंदर मुबतला अफराद के लिए बहुत सूटेबल होता है, उन्हें ये ज़रूरी खाना चाहिए। अब बात करें अगर फ्रूट्स की कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं, तो उनमें वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एप्पल आता है, सेब आता है, छील के नहीं खाना, उसको छिलके समेत खाना है। बनाना प्रॉपर पका हुआ हो, एक कच्चा बनाना आता है सब्ज़ कलर का होता है या सब्ज़ी माइल होता है, अभी वो प्रॉपर तरीके से नहीं पका होता, तो उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। जबकि अच्छे तरीके से पका हुआ जो बनाना होगा उससे कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी। ब्लूबेरीज होती हैं, फालसा जिसे हम कहते हैं, ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंजेस हैं, इस तरह नाशपाती है, इसे भी छील के नहीं खाना। आलू बुखारा है, आलू बुखारा खुश्क भी हो सकता है, मतलब अगर हम उसको ड्राई शक्ल के अंदर ले लें और फिर उसका जूस बना के पी लें, उसका शरबत बना के पिएं, वो भी कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरीज आर गुड वन, खरबूजा है, तरबूज है, लाइम एंड लीमू जूसेस हैं, ठीक है, लेमन का जूस जिसे हम स्कंजबीन कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के साथ, ये उसको रिजॉल्व करता है उस इशू को। इसके अलावा अंजीर है, खजूर है, ये ऐसे फ्रूट्स हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में, ख़त्म करने में मदद देते हैं। सब्ज़ियों की बात अगर करें तो सब्ज़ियों में टॉप ऑफ द लाइन जो है वो कद्दू है, शलजम है, ब्रोकोली है, टिंडा है, ब्रसल्स स्प्राउट्स हैं, ये बंद गोभी की एक किस्म होती है। इसके अलावा बंद गोभी है, गाजर, फूल गोभी, कुछ लोगों को फूल गोभी के साथ कॉन्स्टिपेशन हो भी सकती है, सो उनको उसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जनरली फूल गोभी के साथ कॉन्स्टिपेशन जो है वो ट्रीट होती है, और क्योंकि इसके अंदर भी फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा फलियां, जो सब्ज़ फलियां होती हैं, वो केल एक गोभी की किस्म ही है, ये खाना, पालक सर्दियों के अंदर, सरसों का साग सर्दियों के अंदर जो है, ये सर्दियों के अंदर चूंकि पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है इसलिए पालक का और सरसों के साग का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। मूली का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, चिकंदर खाना, ये ऐसी सब्जियां हैं कि जो कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर मुबतला अफराद को लाजमन खाना चाहिए, हफ्ते में एक बार लाजमी अल्टरनेट करके इन सारी सब्जियों में से सिलेक्ट कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि नट्स और सीड्स कौन कौन से ऐसे हैं कि जो कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, तो उनमें बादाम भिगो के रात को रख दें, वो सुबह उठ के उन्हें खाएं, मूंगफली है, अखरोट है, अलसी के बीज हैं, इन्हें पीस कर इस्तेमाल किया जा सकता है, तुखम लंगा है, इन्हें वैसे पानी में डालकर पिया जा सकता है, हेम्प सीड्स इन्हें आमतौर पर बोला जाता है, इन्हें भी पीस कर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ज़ीरे का इस्तेमाल अपने जो खाना है जब तैयार करते हैं उसमें, और सौंफ का इस्तेमाल, सौंफ थोड़ी बहुत वैसे भी चबाई जा सकती है मुंह में रख के, उसे उसका जूस जो है उसको एंजॉय किया जा सकता है, वो आपको जो बाउल मूवमेंट है उसके अंदर हेल्प आउट करती है और इससे बाउल मूवमेंट रेगुलराइज हो जाती है। इसके अलावा पम्पकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये भी खाना, इन्हें भी अपनी डाइट के ऊपर, जैसे वो हम काली मिर्च या नमक जो है वो खाने में सालन पे छिड़क के खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस तरह इन चीज़ों को भी, इन सीड्स को भी छिड़क कर या वैसे अपनी हंडिया में इसको मिक्स करके तो खाया जा सकता है। ये तमाम वो ऐसे अज्जा हैं, ऐसे खाने पीने के अंदर चीज़ें हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करेंगी और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से
काम करेगा और आप बहुत सारी जो सीवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचे रहेंगे। तो ये थी आज का जो है वो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।